नमस्कार दोस्तों, एक्सेल सीरीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे कंटेंट लेके आया हूँ जो कंटेंट एक्चुअली दो दोस्त का क्वेश्चन भी था कि सर मुझे इस तरीके से एक इंटरव्यू में मुझे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि मान के चलिए यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है और इस डेटा के अंदर कुछ मैंने एक डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट किया, जैसे एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट कोर्सेज का नाम लिखा। मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से दे रहा हूँ, आपका डेटा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखिए कुछ कैंडिडेट का नेम भी है और यहाँ पे देखिए रिजल्ट में पास और फेल लिखा गया है। आपको बोला गया कि कोर्स की नेम जब भी मैं चूज करूँ तो उस कोर्स में टोटल कितने स्टूडेंट पास किया मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो वी लुकअप करके मैं दिखा दूंगा। वी लुकअप करके यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन नहीं होगा कि कितने स्टूडेंट ने पास किया है। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना है जिसका नाम है काउंट इफ्स। तो काउंट का जो सीरीज है, काउंट काउंट इफ्स काउंट इफ्स से लेकर जितने सारे फॉर्मूलास है मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो आज मैं फिर से इस वीडियो में आपको काउंट इफ्स का एक अलग नजरिया दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप इजीली इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है और किस तरीके से यहाँ पे मैं काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज करूंगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला यूज करना है इक्वल काउंट इफ्स। अभी सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, काउंट इफ्स में देखिए काउंट के अंदर इतने सारे फॉर्मूलाज है, जैसे काउंट है, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है, काउंट इफ्स है। तो हम लोग यूज करने वाले हैं काउंट इफ्स को, तो हम लोग काउंट इफ्स को यूज करेंगे क्योंकि इफ्स इजिली यूज कर रहा हूँ, मतलब यूज इजिली यूज किया जा रहा है कि दो मुझे फॉर्मूला चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया चाहिए और दूसरा यहाँ पे क्राइटेरिया चाहिए। मुझे क्या चाहिए जो एक्सेल में होगा उसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पे जो डेटा रहेगा वो ही चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो फाइंड आउट करेगा कि कितने पास हुआ है कितने फेल हुआ है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं काउंट इफ्स फॉर्मूला यूज किया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दिया। उसके बाद मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पे जो कोर्स है इस कोर्स का डेटा, तो मुझे फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो मैंने बहुत सारे सेल ले लिया तो इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे कीबोर्ड से पेस्ट करना है F4, तो F4 पेस्ट करेंगे तो लॉक हो जाएगा। F4 मैं पहले भी बोल चुका हूँ, F के बाद 4 नहीं पेस्ट करना है आपको। फंक्शन की जो ऊपर साइड में जो आपको फंक्शन की F1 F2 F3 F4 दिख रहा है तो वहां पे F4 पेस्ट करिए। उसके बाद आपको कॉमा देना है। आपको नेक्स्ट पूछा गया कि कौन सा सेल से डेटा आपको चाहिए, तो मुझे यहाँ पे जो डेटा रहेगा उसी के ऊपर चाहिए तो इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा दे दिया। आपको पूछा जा रहा है कि सेकेंड क्राइटेरिया कौन सा है, फर्स्ट क्राइटेरिया तो हो गया, अभी सेकेंड क्राइटेरिया कौन सा है। ये जो सेल है ये मेरा सेकेंड क्राइटेरिया है, तो सेकेंड क्राइटेरिया मैंने ले लिया। कॉम फिर से F4 से लॉक कर दिया, कॉमा दे दिया। अभी मुझे क्या चाहिए, पास चाहिए, तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है पास। बस मेरा काम हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना। एंटर करने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज करना, उसके बाद इस सारे सेल को सिलेक्ट करके लॉक कर देना F4 से। उसके बाद कोर्स का जो नेम है इस सेल को सिलेक्ट करना, क्योंकि इस सेल में जब भी मैं कोई नाम चेंज करूं उसके अकॉर्डिंग मुझे काउंटिंग चाहिए, तो इसलिए इस सेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद मुझे सेकेंड क्राइटेरिया में क्या चाहिए था, रिजल्ट, तो रिजल्ट का सेल सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने पास फेल लिख दिया मुझे क्या चाहिए था। तो उसके बाद जब भी मैं एंटर करूंगा तो एक्सेल सीरीज में 5 व्यक्ति पास किया। चलो मैं एक बार एक स्टूडेंट को फेल भी करके दिखा देता हूँ जो एक्सेल में है। देखिए जब भी मैं यहाँ पे फेल करके एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे काउंटिंग भी चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से यहाँ पे पास करके एंटर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक काउंटिंग चेंज हो जाएगा। जैसे एक्सेल में यहाँ पे एक फेल है तो इसको मैं पास करके एंटर कर रहा हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली 5 से 6 हो गया। अभी कहेंगे सर एक्सेल से आप वर्ड करके दिखाइए, चलो आपका ये भी करके मैं दिखा देता हूँ। सॉरी वार्ड का स्पेलिंग तो मैं गलत लिख दिया, माफी चाहता हूँ। अभी देखिए 2 व्यक्ति यहाँ पे पास किया है वार्ड में, तो कितना आसान है ना। तो इसी तरीके से आसान भाषा में एक्सेल को सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं डिटेल्स में छोटे छोटे वीडियो करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप अगर सीखना चाहते हैं, सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखिए, अगर आपको पता है सब कुछ तो कोई बात नहीं, आपके हिसाब से आगे बढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।